सो गाइस फाइनली हम वहाँ से निकल चुके हैं अगली जगह के लिए। एक हमें कंबल लेना था तो कंबल के लिए हम मेन रुके हुए हैं, तो सोचा साथ में हरी सब्जियाँ ले लेते हैं। मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हमें जरूरत थी एक छोटी बाल्टी या फिर एक डोलची की, तो बिटिया का दूध खराब हो जाता है उसके लिए। नमस्कार अंकल जी, एक हमें 1 लीटर या 1.5 लीटर की डोलची चाहिए दूध के लिए, या कुछ और आपके पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें दूध खराब ना होता हो, रात को गर्म करके रख दे? बस स्टील ही होता है। हाँ, ये कितने के अंकल? ये ले लिए हमने, 211 रुपये बता रहे हैं। और ऐसा दो ना जो बिल्कुल सीधा सा हो, इसमें ना ये जो है ना ये गाड़ी में दिक्कत हो रही है, ऐसी आती है ये बोल रहे हैं अंकल, ऐसी आती है। सो गाइस कंबल की दुकान हमें मिल चुकी है, रात बहुत ठंड लगी थी गाड़ी के अंदर। लो जी आ गए अंदर, अभी ऐसा कंबल ले लेगा, दिखा रहे हैं भैया कंबल। दोस्तों फाइनली हमें एक हमारी नेक्स्ट कैंपिंग की जगह मिल चुकी है, ये है। और ये इको गैंग पूरा आ गया है यहाँ पे, ये अपनी खड़ी है अंडोरे, ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ चीड़ के पेड़ है, चीड़ के पेड़ है चारों तरफ। और लोकेशन देखो आप, जबरदस्त देख रहे हो लोकेशन, पूरा जंगल है। श्रीमती जी क्या कर रहे हो? बिटिया को दूध पिला रहे हैं, गाड़ी वाड़ियाँ पार्क की है, थोड़ा गर्म गर्म पानी किया है और भूख लग रही है जबरदस्त, इसलिए खाने की तैयारी की जा रही है। आकाश भाई बना रहे हैं आज स्पेशल सब्जी मिक्स वेज करके, भाभी चेक करने आई हैं। ये देखो एक रस्सी बांध दी है मैंने इधर, और इधर धूप आ रखी है तो बेटे की कपड़े थोड़े गीले थे तो मैंने सुखा दिए रस्सी बांध के। मैंने कहा कि यहाँ जंगली सुअर बहुत आते हैं तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, तो पीछे मैंने गाड़ी अपनी पैक कर दी है, आप देख सकते हैं गाड़ी फुल पैक है। और पीहू और श्रीमती जी दोनों अंदर जा चुके हैं, और मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नई खोज के साथ। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बजे हैं 7:26 और मौसम बड़ा ख़तरनाक है, ठंड है बहुत ज़बरदस्त। अभी मोबाइल को जैसे हाथ में पकड़ के शूट कर रहा हूँ तो हाथ सुन हो चुके हैं, आप देख सकते हो। देखो दूसरा हाथ मेरा जेब में है ठंड की वजह से, और पीछे मैडम हमारी श्रीमती जी बैठी हुई हैं और बिटिया बैठी हुई है, और ठंड इतनी है तो हमने आग जला ली है यहाँ पे। और सुबह सुबह और श्रीमती जी यहाँ बैठी हुई हैं, ठंड के मारे मेरे तो बोल भी नहीं निकल रहे, इतनी ठंड है, और बाकी ज़बरदस्त वाली ठंड है। अभी सब लोग सोए हुए हैं, रात को सब काम करना होता है। जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो मज़े हैं, घूमना ही घूमना होता है, काम करना कुछ होता नहीं है, हमसे पूछो कितना काम करना होता है। एक महीने का काम मतलब एक दिन के करीब करीब में हो जाता है। सनराइज हो चुका है गाइस, सनराइज देखो हो चुका है। बंदर हैं हमारे चारों तरफ, बंदर ही हैं, बहुत बंदर हैं यहाँ। एक्चुअली ये उन्हीं का घर है और हम आए हैं यहाँ पे उनके घर में, तो उनका जानने का अधिकार भी है कि कौन आया है उनके घर पे। चिकनी मिट्टी और ये अपना बर्तन है, थोड़ी सी मिट्टी मैंने लगा दी है इस पर, ये इस पर ऐसे लगा देंगे अपन थोड़ी सी पानी में गीली करके, ताकि जब हम इसको आँच पे रखेंगे ना तो ये लकड़ी की दाग से उससे काला ना हो और ये साफ बनी रहे, और जब इसे धोए ना तो आराम से निकल जाए। तो मैं इस पर लगाता हूँ थोड़ी सी मिट्टी, आप देखते रहिए। चाकू वगैरह सब है पर अंदर बेटी सो रही है, तो अगर मैं खोलूँगा ना खिड़की खुलेगी, हवा जाएगी, ठंडी हवा वैसे ही है, तो चाकू नहीं है तो मैंने तो चाबी से काम चला लेते हैं। बारीक बारीक ही करनी होती है अदरक, और बारीक बारीक करके डाल दूँगा, मस्त मज़ा आएगा। Thank you.
चलता रहे, आंच हमारी जलती रहे और चाय अपनी पकती रहे। कैसे करियो आप, वो हाथ जल जाए जल जाए, कैसे करियो साइड पीछे से? ठंड तो लगेगी, ठंडा है तो लगाओ, मिला के लगाओ। चलो ठीक है, गुड बाय। ये जलने लगा जी, ये सारा स्टील तो नहीं जलते हैं, ये भारी है, कोई लो जी। हमने ट्रे बना ली है चाय कप रखने के लिए, ये हमारी देसी वुडन की ट्रे है, किसी भाई को चाहिए तो बता देना, कमेंट कर देना कैसी लगी हमारी ट्रे। भैया ने ये बड़ी सही बनाई, इसलिए ट्रे अलग से बनाई है, देखो। थैंक यू सो मच भैया, वेलकम जी, वेलकम। ना मैं भैया ऐसे ही हूँ, हंसी मजाक बना दे, मोगली थोड़ी है, उठा के रहे हाथ से आते आते ना सीने आते ना मोगली में, कुछ कहते नहीं अगर हमारे अंदर फिर ये बंदर नहीं कहते। नहीं नहीं सुनो ना, काटेंगे नहीं, खुद डरते हैं। हैं भाभी वो तो टार्जन बन गया था, वो जंगल में रह गया था, ये क्या बनेगी? फिर ये कह रही दोस्तों, लकड़ियाँ जो हैं वो कल जो हमने इकट्ठी की थी खत्म हो चुकी है, अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा से लकड़ियाँ लेने की, कुछ लकड़ियाँ लेके रखें, रात को बहुत जरूरत पड़ती है और सुबह मॉर्निंग में लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ती है, और आग में यहाँ पे लकड़ियाँ ऐसे ख़त्म हो रही हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। पेड़ों पर लग रही है हरी हरी पत्तियाँ सी, ये जब सूख जाती हैं तो नीचे गिरती हैं, और ये जलावे के बहुत अच्छे काम आती है। भैया आए हुए हैं, भैया देख रहे थे, पता नहीं कौन आया है, तो नमस्कार, राधे राधे जी। मैं कहा भैया कुछ देख रहे हैं, भैया ऊपर कुछ देख रहे थे, तो मैं उधर लकड़ियाँ बीन रहा था, तो मैंने कहा भैया कुछ देख रहे हैं। वो असली फॉरेस्ट के गार्ड थे यहाँ के, तो उनकी ड्यूटी थी देखना, जिम्मेदारी भी है, गार्ड है तो वो यहाँ के, तो अच्छी बात है। इस बहाने हम उनसे मिले और भैया ने नंबर आदान प्रदान किया, बोले कुछ दिक्कत परेशानी हो तो फोन करें। दिक्कत एक्चुअली जब आती है जब ना बेढंगे तरीके से किसी काम को किया जाए, कैंपिंग नहीं कोई भी काम अगर आप बेढंगे तरीके से करेंगे ना तो दिक्कतें आएंगी। अगर आपके पास माइंड में प्लान है और सिस्टम है, नहीं जरूरी नहीं है कि प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए सभी के सामने, अपने प्लान पे चुपचाप खामोशी से बढ़ रहे हो, कोई आपको क्या समझता है क्या नहीं समझता, इट डजंट मैटर, मैटर इज दैट कि आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ तक जाने वाले हो। अभी मोटा मोटा ये मैंने घास इकट्ठा कर लिया, इसके बाद मैं मोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँगा, इकट्ठे के बाद में अपनी वो आएगी काम पानी के, जिनकी मैं आपसे भाई बात कर रहा था, ये लकड़ियाँ देखो ऑलरेडी टूटी पड़ी है, इनको मैं यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। ये झाड़ू, इससे एक आइडिया आ गया है, अभी अपने कैंप की सफाई भी हो सकती है, और गंदा है यार, बच्चे मट्टी वट्टी ठा लेते हैं चीज़ें। तो गाइस हमने ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं और अभी ने अपने कैंप तक लेके चलेंगे यहाँ से। तैयार हो चुका है, कल की हमारी दाल और रोटी बची हुई थी तो अभी हम उसे ही खाने वाले हैं, और खाना वेस्ट करना नहीं है, बड़ी मेहनत से आता है। दोस्तों हमने ना अपने टमाटर प्याज और हरी मिर्ची ये सब इसमें डाल दिए हैं, जो हमारे पास आज जलाई थी हमने सुबह, ताकि ये थोड़े मुलायम हो जाएं और इनकी चटनी बन सके। तो जी चल दिए हैं थोड़ा सा जंगल सफारी की तरफ, और थोड़ा सा हमें नहाने के लिए यहाँ पे गांव वालों ने बोल दिया है कि गर्म पानी और बाथरूम वगैरह मिल जाएगा, तो जो अपने साथ जो लेडीज़ हैं नीचे जा रही हैं, श्रीमती जी भी हैं, तो अपन वहाँ पे जाके आराम से तसल्ली से नहा लेंगे।
नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी, आपका नाम क्या है? गीता शर्मा। और हम कहाँ पे खड़े हैं अभी? चिंडी गांव में। ये हम चिंडी गांव में खड़े हैं। तो आंटी जी, ये बागान जो लगा के रखे हैं आपने, ये किस किस चीज के हैं? सेब के हैं। अच्छा, खुमानी है जी, और बादाम भी इन्हीं पेड़ों के होते हैं, और नाशपाती वगैरह जी। हाँ, तो आंटी खुमानी क्या होता है? खुमानी यही जिसे हमें होगा। हाँ, वही होगा ना, वो बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, तो पांच छह प्रकार की होती है ना। अच्छा, तो दोस्तों भाभी एक सेकंड, तो दोस्तों खुमानी मुझे भी नहीं मालूम था क्या होता है, तो मैंने थोड़ा जानने की कोशिश करी, हमारे साथ वाले भाई ने बताया, भाभी को थोड़ी नॉलेज है खुमानी के बारे में, तो भाभी ने बताया तो आंटी को समझ में आया। खुमानी किशमिश टाइप से होता है, तो उसमें चार पांच प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक प्रकार होता है खुमानी का। तो दोस्तों अभी हम जहाँ चिंडी में रुके हुए हैं, ये माता जी हैं, इनका ये पूरा घर है, ये साम्राज्य सब इन्हीं का है, और नीचे आप देखिए ये सब बागिया जो बागान लगे हुए हैं, ये आपके एप्पल के हैं, और ब्रोकली भी लगी हुई है, और इन्होंने हमें सुबह ब्रोकली भी दी है बनाने के लिए फ्रेश, और उसका कोई चार्ज नहीं लिया हमसे, तो आप समझ सकते हैं कितने काइंड नेचर के हैं ये। ऊपर से आगे और नीचे, और देखो मेरे को नेचर से पहले ही बहुत लगाव है, तो मेरे को रहा नहीं गया। ये देखो, जैसे अपने गांव में या शहरों में बड़ी बड़ी तरीके खेत होते हैं, और खेत आता है यहाँ, इसको मैनुअल यहाँ छोटी छोटी क्यारी बना रखी हैं, और इनको सींचा जाता है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये दीदी जा रही थी, बड़ा हमें देख के मुस्कुराए, हमें अच्छा लगा कि अपना पन सा एक लगा। ये स्टोरेज है पानी का इनका, गार्बेज का स्टोरेज, मतलब जो गंदा पानी होता है इसमें आ जाता है, और मे भी इसको सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ट्रीज देख रहे हैं आप, ये ट्रीज है आपकी एप्पल की, तो ये हिमाचली हैं, हिमाचली सेब होते हैं इसमें, ये लोकल हैं यहाँ पे। और अभी ये बगीचा इन्हीं का है, तो ये इसकी सफाई कर रहे हैं, जैसे वो दीदी कर रही थी ऐसी बगीचे की सफाई कर रहे हैं, काट छाट चल रही है। तो भैया एप्पल कब आएगा इस पे? एप्पल आपका मार्च महीने में फ्लावरिंग शुरू होगी, तकरीबन जुलाई, जून जुलाई अगस्त में तैयार होगा मार्केट में। तो भैया कह रहे हैं कि जून जुलाई अगस्त तक में आएगा, और अभी बहुत समय है। अभी जैसे कांट छांट होती है, आदमी अपनी शेप बनाता है, बाल बनाता है, वैसे राइट राइट बनाने पड़ते हैं बिल्कुल, ताकि टहनियों तक आसानी से पहुंच पाए। जो सेब तोड़ना, कहीं टहनी आगे निकल गई उसको पीछे करना, और फिर उसमें जो सेब लगेगा वो तोड़ने के लिए आसानी हो। ठीक ठीक ठीक, इसलिए कांट छांट की जाती है। भैया से ले लिया है कटर, ये क्या बोलते हैं, कटर बोलते हैं ना, कैंची बोलते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे पकड़ते हैं इसको, ताकि सॉफ्ट, और इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये हाथ ये जो होता है ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ताकि जोर पतले वाले से लग सके, और कोशिश कर रहे हैं हम इनकी मदद करने के लिए। इधर मारो इसमें, सीधा कर मारो आइस के ऊपर से, ये हमने काट दिया है। और भैया बताओ ये भी काटेंगे? नहीं नहीं, इधर मारो जो रिंग है, इधर मारो इसके ऊपर रिंग से, मतलब ना वो दोबारा से पनप जाएगा, इधर मारो यहाँ, हम ऊपर चढ़ के मारेंगे, और इधर भी मार लो। तो भैया कटिंग कर रहा हूँ, ये एक्चुअली इनकी गांठे होती है, जो अपने आप बोलते हैं ना गांठे, जोड़, उस जोड़ पे से काटा जाता है, ताकि बाकी पेड़ वो जो टहनी है वो मर ना सके, वो आगे कभी ग्रो होगी तो वो तुरंत ग्रो हो जाएगी। आंटी जी ने चाय बनाई है मस्त मेरे हिसाब से, और मेरा तो दिल खुश हो गया जी, बागबान हो गया चाय देखते ही। और ऐसे आप सबको पता है मैं तो चाय का वैसे भी दीवाना हूँ, क्यों वैसे जी? बस चाय का, आप फिलहाल तो चाय के हैं, वो चाय चाहिए सुबह उठ के चाय सबसे पहले। दोस्तों पीहू को उसकी फ्रेंड्स मिल चुकी हैं, और पीहू ने फुल मस्ती काटी हुई है, देखो ये देखो, ये खेल रहे हैं साथ में। और ये बिटिया है, इसका नाम है गुंजन, आपका क्या नाम है बेटा? बेटी का नाम है कमीक्षा, और ये इनका एक मित्र मंडली तैयार हो चुकी है और खेल रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं मम्मा के पास, आप थोड़ी देर में जाएंगे। माँ देखो वो उधर दीदी खड़ी है, ये इनकी बेटी है, और वो अपनी मम्मी को बुला रही है। माँ आज श्रीमती जी का नाम बाद में लूंगा, पहले भाभी क्या बना रहे हैं आप? हम बना रहे हैं चपाती। चपाती बन रही है, और मिक्स वेज हमारी बन गई है, ग्रेवी वाली, मिक्स वेज और ग्रेवी वाली बन गई है। हाँ जी, सैलेड भैया ने ही प्रिपेयर किया है, वो भैया दिखा देंगे आपको, कलरफुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और श्रीमती जी आप क्या कर रहे हैं? मैं रोटी बना रही हूँ। श्रीमती जी रोटी बेल रही हैं, भाभी का पूरा पूरा साथ दिया जा रहा है, और सारा काम मिलजुल कर किया जा रहा है, और इधर दूध गर्म करके रख दिया है, ये देख सकते हैं आप हमारी किचन को, कोशिश है दिन ब दिन बेहतर करने की। दोस्तों शाम हो चुकी है और अंधेरा होने वाला है, दिन ढल गया है,
और जो अपने हमने यहाँ पे अपने कपड़े सुखाए थे अब उनको हम उतार लेते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। रात ही मानो यार, यहाँ पे अपने यहाँ तो इस टाइम 7 बजे 8 बजे होता है और यहाँ भी समय हुआ है 4:30 के आसपास। और अपना यहाँ हमने आग जला ली है, चाय रख दी है भैया ने बनने के लिए। रात करीब करीब हो चुकी है, वैसे अभी अगर शहर में होते तो अभी ये करीब करीब उजाला ही मिलता, लेकिन पहाड़ों पे जल्दी अंधेरा हो जाता है और ठंड इतनी हो चुकी है ना, अभी भी कप कपी छूट रही है। तो ये तो आग है जिसने हमें थोड़ा सा हमें बचा के रखा है, और अगर हमें आग ना मिलती तो पता नहीं हम यहाँ आज बिल्कुल ऐसे लग रहा है, बिल्कुल नई की नई किचन बाहर निकाल कर नए नए बर्तन से लग रहे हैं लाइट में, अच्छा लग रहा है। पर आकाश भाई कर रहे हैं अब दूध गर्म चाय पीने के साथ साथ, और व्यू कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखो और लाइटें और भी हमने लगा के रखी है एम्बिएंट के लिए, उधर भी है और इधर भी है ताकि थोड़ा जंगली जानवरों से हमें सेफ्टी रहे, और ये एक रास्ता भी है जंगली जानवरों का आने जाने का, तो इस वजह से हमने लाइटें ऐसी लगा दी है। चाय पिलाया जाएगा कप ना भैया? चाय तो पी लेंगे। हाँ चाय बनती है बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए अभी के लिए इतना ही था, और मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। अभी बज चुके हैं 10:40 और ठंड बहुत हो गई है, पाला बहुत ज़बरदस्त गिर रहा है यहाँ पे। अपन मिलेंगे कल सुबह एक नई शुरुआत के साथ में, जब तक के लिए गुड नाइट।